अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद की एक बड़ी खूबसूरत पहाड़ी पे, और इस पहाड़ी का नाम है सरवन हिल्स। और यहाँ से आपको पूरे एबटाबाद का व्यू नज़र आएगा, बड़ी प्यारी जगह है। और मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको कहा था, जो अलियासी की पहाड़ी पर मैं गया था, कि एबटाबाद शहर ऐसा है जो कि पहाड़ों में गिरा हुआ है, यानी कि अलियासी वाली पहाड़ी, सरवन हिल्स, शिमला पहाड़ी, और ये काफ़ी पहाड़ हैं इसके इर्द गिर्द, और उनके दरमियान में ये खूबसूरत शहर है। तो मेरी कोशिश ये है कि यार ये आपको शहर में जो है ना, इन सारे पहाड़ों से इस शहर का आपको व्यू दिखाऊं, और ख़ुद भी देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देख के। मैं यहाँ पर आया हूँ, ये नीचे आप रास्ता देख लें, ये पहाड़ है। यहाँ से आप सिटी से आपको इस जगह पे जो है आप बाय रोड भी आ सकते हैं, लेकिन वो ये है ना कि आपके पास कोई कन्वेंस वगैरह हो, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस जगह पे, इस जगह से आपको ये पूरा शहर में आपको दिखाऊंगा यहाँ से ऊपर से। और आइए फिर अपनी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो नीचे आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर ये सरवन चौक वाला इलाका है। सरवन चौक से आगे ये बाकी शहर है, और इस साइड पे ये सामने वो हज़ारा मोटरवे जो है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से फुटबॉल ग्राउंड, इसके अलावा पीएमए और आगे मंडियाँ वाले सारे इलाके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रास्ता जो है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी है और थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कि आप लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर पहाड़ पर, इस जगह पर मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पर, और इस जगह पे आप यकीन करें बहुत ही कोई जो है ना प्यारा व्यू है यहाँ से। और अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आबादी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है। आपको, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है भाई कि आइंदा कोई 4-5 साल के अंदर ना इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और लोग जो है ना, ये पहाड़ भी फिल हो जाएगा तकरीबन। ये आधे पहाड़ तक लोग आ गए हैं, वो सामने देख लें, ये सिचुएशन यहाँ पे भी है नीचे तक। और चलें, लोगों ने किसी ना किसी तरह ज़ाहिर है रहना है, तो मकान तो उन्होंने बनाने ही है। तो ये वो जगह, कोशिश करें आप इन्हीं दिनों में यहाँ पे इस जगह को देख लें, क्योंकि इसने भी जो है ना फिलअप हो जाना है यहाँ पे, मकान, प्लाट्स वगैरह, ये चीज़ें सब कुछ। वो ऊपर एक प्लाट बन रहा है कोई, इससे ये लग रहा है कि अनकरीब ये जगह भी इस तरह से लोगों की नज़रों से उजल हो जाएगी, आप इस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पर, बिल्कुल टॉप पे तो नहीं, खैर यहां से ऊपर भी काफ़ी रास्ता है, लेकिन ये जो है ना, ये आइडियल जगह है, क्योंकि प्लान भी है थोड़ी, और आप यहां पे जो है ना आ सकते हैं। और ये देखें, अभी आपको उस तरह से हरियाली नज़र नहीं आ रही होगी, ड्राई सा है सारा कुछ, घास वगैरह भी और बाकी भी। उसकी वजह ये है कि जो है ना सीज़न, ये अब सर्दियों का शुरू हो चुका है। गर्मियों में आप अगर यहाँ पर आएँ, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा आप इन्जॉय कर सकते हैं, हरियाली वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है। तो अभी ये लोगों ने कोई घास वगैरह यहाँ पे आग लगा दी है, थोड़ा सा बंदा वो अजीब सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो एक साइड पे रहा। यहाँ से व्यू जो है ना बहुत ही मज़े के आ सकते हैं भैया, अपने अगर वो क्या कहते हैं सेल्फीज़ वगैरह और फ़ोटो वगैरह लेने ना, तो आइडियल जगह है ये वाली। अच्छा, ये इस जगह से आप देख लें पूरा एक व्यू, सामने ठंडियानी वाले पहाड़ हैं इस साइड पे,
और इस साइड पे कलंदराबाद, मनसेरा, बालाकोट, और यानी कि आप आइडिया आपको एक हो गया होगा कि ये वो वाली डायरेक्शन है। और इस साइड पे हवेलियाँ और जो बाकी इलाके हैं वो इस साइड पे हैं। एक चीज़ जो बड़ी काम की है यहाँ पे वो ये है कि भाई यहाँ पे इस तरह से कोई कचरा वगैरह नहीं है। यूजुअली आप लोग जिस जगह पे भी जाएं पाकिस्तान में, ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारी नेचर है, हम चीज़ों को गंदा कर देते हैं। यहाँ पे उस तरह से लोग आते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह का जो है ना कचरा वगैरह नज़र नहीं आएगा, जो आपके लिए बहुत प्लेजेंट, आप खुशगवार असर आपकी तबीयत पे, आपके मिजाज पे डालेगा। और ये चीज़ है, सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना कि सफाई निसफ ईमान है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए। आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे आपने थोड़ा सा मोटिवेट करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और इसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप आएँ, विज़िट करें, वहाँ पे आप देखते हैं कि यार अगर इसने आपको फ़ील होता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली वहाँ पर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इससे बेहतर और अच्छी और ख़ूबसूरत जगह मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।